यदि आपके साथ कोई आपदा घटित हो गई है और आपको उसका लाभ नहीं मिला है तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, जिला आपदा नियंत्रण कक्ष और नियंत्रण विभाग द्वारा जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अभियान चलाकर ऐसे पीड़ितों को लाभ दिया जाएगा जिनके साथ कोई आपदा घटित हो गई हो, चाहे वह आकाशीय बिजली की समस्या हो या फिर जल भराव के बाद जल में डूबने के बाद मौत की बात हो या फिर अन्य कोई समस्या हो या आकाशीय बिजली हो, ऐसी तमाम आपदाओं को आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से चिन्हीकरण करते हुए आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से लाभार्थियों को लाभ दिया जा रहा है। आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से मिलने वाले इस लाभ के लिए लाभार्थी को आपदा घटित होने के 24 घंटे के भीतर अपने संबंधित लेखपाल या फिर ग्राम प्रधान के माध्यम से विभाग के लिए संपर्क करना होगा। इसके साथ ही विभाग को आपदा से संबंधित रिपोर्ट और फोटोग्राफी उपलब्ध करानी होगी, जिसके बाद प्राथमिकता से पीड़ित का नाम आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा दर्ज करते हुए उसे लाभ दिया जाएगा। समय समय पर जिला आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जागरूकता कार्यक्रम भी चलाया जाता है कि आपदा के समय में किन कार्यों को करके बचा जा सकता है। आपको बता दें कि आपदा प्रबंधन विभाग आपकी सुरक्षा हमारा कर्तव्य अभियान के तहत इस मुहिम को चलाया जा रहा है। इस मुहिम में आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से जनपद मुख्यालय में अब तक पूरे जिले के साथ साथ अन्य तहसीलों में यानी कुल 64 लाख रुपए की धनराशि लोगों को दी जा चुकी है। इसमें देखिए मेन चीज ये है कि इसमें दो कैटेगरी हैं कि सेंटर द्वारा नोटेड जो आपदाएं हैं और स्टेट द्वारा जो गजेटेड आपदाएं हैं। इसमें जो स्टेट द्वारा है और सेंटर दोनों में 4 लाख रुपये मिलते हैं, लेकिन उसमें एक शर्त होती है कि आप उसका पंचनामा कराएं, साथ में पोस्टमार्टम कराएं। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आप तहसील में दे दीजिए, उन्नत लेखपाल रिपोर्ट आपसे ले लेगा, वहीं से स्वीकृत होने के बाद हमारे पास बिल आएगा और हम सेम डे भुगतान कर देते हैं। और इसमें प्रत्येक आपदा में 4 लाख रुपये मिलते हैं, ये निश्चित है। और जहाँ तक रही बात कितनों को लाभ मिला है, तो अभी अप्रैल से लेकर अभी तक 16 लोगों को लाभ मिल चुका है। तो अगर देखा जाए तो 16 के हिसाब से 64 लाख रुपए अब तक हम बांट चुके हैं लोगों को। इससे मेरा अनुरोध ये है कि सभी लोग किसी घटना के बाद पंचनामा और पोस्टमार्टम जरूर कराएं। लगातार लाभ दिया जा रहा है। जी, लगातार लाभ दिया। हमारी कोशिश है कि हर किसी को लाभ मिले। हाँ।